मित्रों, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। आदिल शख्सिया का मैं आ गया हूँ, आपका मित्र सोनू झा। प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि, प्रमुख पुरस्कार और किस क्षेत्र में ये दिए जाते हैं, उस सब्जेक्ट को लेके आप लोगों के सामने आए हैं। तो हम बात करते हैं प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। आप लोग दूर स्थान पर बैठे हुए हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने हाथ में कलम लिए हुए होंगे एवं सामने में आपकी कॉपी होगी एवं पेज पे आप लोग लिख रहे होंगे। तो हम बात करते हैं अब पुरस्कारों के बारे में। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से संबंधित, ये अभी तक के एग्जामों में एसएससी, सीडीपीओ, बीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी तक के एग्जामों में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग एकदम समझ रहे होंगे। बात करते हैं अब हम पुरस्कारों के बारे में। दोस्तों देखिए, नोबेल पुरस्कार जो कि है, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चार क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, साहित्य, चिकित्सा, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक रसायन, शांति, भौतिक रसायन, शांति एवं दोस्तों 1901 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो अब टोटल मिला के नोबेल पुरस्कार पांच क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन 1901 से पहले नोबेल पुरस्कार जो था वह चार सब्जेक्टों में दिया जाता था, लेकिन 1901 ईस्वी से अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार पांच क्षेत्रों में दिए जाते हैं, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कारों के बारे में। पुलित्जर पुरस्कार मित्रों जो होते हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में 1929 से ये दिए जाते हैं। फिल्म के क्षेत्रों में पुरस्कार अभी तक भारतीय फिल्म एक भी नहीं ऐसा है बना है जो ऑस्कर पुरस्कार उस फिल्मों को दिया गया है। हाँ, डायरेक्टर हैं और सॉन्गर हैं, सॉन्ग यानी सिंगर और जो होते हैं एक्टर, उनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, लेकिन अभी तक भारत की मित्रों कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है जिसे ऑस्कर पुरस्कारों से नवाजा गया हो। अब हम बात करते हैं कलिंग पुरस्कारों के बारे में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो हैं, जो दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार, भारत रत्न। अब देखिए, भारत रत्न यह भारत की सर्वोच्च पुरस्कार है। यह जो है दोस्तों कला, आर्ट, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में एवं सरकारी सेवा तथा जन सेवा यानी समाज कल्याण के लिए भी भारत रत्न दिए जाते हैं। बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मित्रों फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, दादा साहब पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य के क्षेत्र में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। और इससे संबंधित एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं और मैंने उस पुरस्कारों को लिया है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। और 11 नंबर में है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। वाचस्पति पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, यानी कला में साहित्य यानी पुस्तकों के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाचस्पति पुरस्कार दिए जाते हैं। हम बात करते हैं शंख पुरस्कारों के बारे में। तो शंख पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृत तथा कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान जो है दोस्तों यह साहित्य में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार, कबीर पुरस्कार सामाजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार जो है मित्रों, ध्यानचंद पुरस्कार यानी ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को मनाया गया था, यानी ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को दिया गया, 29 सॉरी दोस्तों 29 अगस्त को हुआ था, उसी दिन से ध्यानचंद पुरस्कार यानी हॉकी के जादूगर, यानी ध्यानचंद जो थे वह हॉकी के जादूगर थे। अतः खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं। बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कारों के बारे में। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे भटनागर पुरस्कारों के बारे में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार
चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं धन्वंतरी पुरस्कार। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बात करेंगे लास्ट एक दोस्तों, बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उत्कृष्ट, जो भी देश कृषि में आगे उत्पादन करे उसे बोरलॉग पुरस्कार के से नवाजा जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार, तो ये दोस्तों हो गए यानी 21 पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं उससे संबंधित हम लोगों ने आपसे बातें किए। अब हम फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट सीरीज